औरैया जिले के बिधुना विधानसभा पर प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी में अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए, इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी भी संशय में है। अभी तक इस विधानसभा पर टिकट फाइनल ना होने का मुख्य कारण यह है कि विधानसभा कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत आती है। पहले यहाँ से अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे, फिर यहाँ पर डिम्पल यादव सांसद बनकर दिल्ली पहुँची। ऐसे में समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी इस सीट पर रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस सीट पर उसी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा जो लोकसभा चुनाव में कन्नौज का भी समीकरण बदल दे। इस सीट पर शुरुआत से नवल किशोर शाक्य का नाम आगे चल रहा है। पेशे से कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने कोरोना महामारी से लेकर पिछले 3 साल में यहां पर ताबड़तोड़ मेहनत की है और बिधुना की स्थानीय जनता का दिल जीता है। लेकिन इनके पुराने रिश्तेदार स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद नवल शाक्य की उम्मीदवारी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साथ यहां के स्थानीय विधायक विनय शाक्य को भी पार्टी में साथ लेकर आए। इस हिसाब से विनय शाक्य के भाई देवेश शाक्य ने भी यहां पर दावेदारी ठोक दी। लेकिन पिछले 5 साल की सत्ता में बीजेपी की तरफ से यहां की सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया और मुकदमे लगाए गए, जिसकी वजह से देवेश साथ भी टिकट की दावेदारी में तीसरा नाम आता है स्वर्गीय धनी राम वर्मा के पुत्र दिनेश वर्मा का। लेकिन दिनेश वर्मा के साथ सबसे बड़ी वजह उनकी उम्मीदवारी पर प्रश्न चिन्ह लगाती है वह है कन्नौज लोकसभा चुनाव में डिम्पल यादव की हार, और इसी वजह से सपा सुप्रीमो यहाँ के स्थानीय नेताओं को पसंद नहीं कर रहे। इन तीनों उम्मीदवारों की दावेदारी के बीच एक नाम और आगे चल रहा है, वह है रेखा वर्मा का, जो स्वर्गीय धनी राम वर्मा की बहू है। लेकिन रेखा वर्मा ने अभी तक बिधुना विधानसभा में कोई मेहनत नहीं की और वह पड़ोसी विधानसभा की उम्मीदवारी कर रही थी, इसलिए बिधुना की स्थानीय जनता भी उनको स्वीकार करने के मूड में नहीं है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सपा अध्यक्ष ने यहां नवल किशोर शाक्य को कई बार चुनाव लड़ने के लिए बोला था और अंत में वह सभी कारणों को दरकिनार करते हुए नवल शाक्य का ही टिकट करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बिधुना विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं।